नमस्कार दोस्तों, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण को टेढ़े क्यों कहा जाता है, वो भी सिर्फ ब्रिज में। अर्थात भगवान कृष्ण को सिर्फ ब्रिज में ही टेढ़े क्यों कहा जाता है और कहीं क्यों नहीं। गोपियां भगवान को कहती हैं, तुम्हारे तो सब काम टेढ़े हैं, तुम्हारा स्वभाव टेढ़ा, कर्म टेढ़ा और स्वरूप भी तीन जगह से टेढ़ा है, और जो तीनों जगह से टेढ़ा होता है वह दुष्ट होता है। टेढ़ापन होना निंदा की बात है और सीधापन होना साधुता की बात है। अब ये जानना है कि भगवान टेढ़े क्यों हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, नर, वामन, राम आदि, किंतु कृष्ण रूप में ही टेढ़े क्यों बने? जबकि टेढ़ापन निंदा की बात है तो कहते हैं, हर चीज का रहस्य होता है, भगवान की हर बात बड़ी रहस्यमयी होती है, इसको भगत लोग ही जान सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि कृष्ण टेढ़े हैं, पर कहाँ? सिर्फ ब्रिज में। मथुरा के कृष्ण टेढ़े नहीं हैं, द्वारिका के कृष्ण टेढ़े नहीं हैं। आप दर्शन कीजिए, द्वारिका के कृष्ण सीधे सीधे खड़े हैं, मथुरा के कृष्ण भी सीधे हैं। मथुरा में सारी लीलाएं सीधे होकर की, सब जगह सीधे हैं श्री कृष्ण, केवल ब्रिज में ही टेढ़े हैं, तो कोई तो कारण होगा। ब्रिज में टेढ़े क्यों बने? क्योंकि प्रेम लीला ब्रिज में हुई, इसलिए ब्रिज में कृष्ण टेढ़े बने। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण ने तीन तरह की लीलाएं की, पहली है ब्रिज लीला, दूसरी है मथुरा लीला, तीसरी है द्वारिका लीला। ब्रिज में भगवान की प्रेम लीला का आरंभ होता है। इस लीला में भगवान बहुत चतुर व स्वतंत्र हैं। वहाँ किसी प्रकार के वेद शास्त्र का बंधन नहीं है, ये प्रेम की लीला है। गोपियाँ कहती हैं, उसके टेढ़ेपन में ही रस का विस्तार है, ये टेढ़ापन ही प्रेम का स्वरूप है। इस टेढ़ेपन के कारण ही गोपियाँ मात खा गई। गोपियाँ कहती हैं, देख कृष्ण की लटुरिया भी टेढ़ी है, देखो आप टेढ़ो है वैसे ही टेढ़े बालों को सिर पे बिठा लिया है, टेढ़ो है तो टेढ़ी चीज ही पसंद करता है। जब उद्धव जी ब्रिज में आए तो देखा प्रेम में तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। यह देखकर वे गोपियों से बोले कि तुम लोग कृष्ण को याद कर रही हो, दुखी हो रही हो, प्रेम में किसको सुख मिला है? इसलिए हे गोपियों, श्री कृष्ण को अपने हृदय से हटा दो, उसे भूल जाओ। गोपियाँ बोली, देखो उद्धव, तुम यह कह रहे हो कि भूल जाएं, भूल कैसे जाएं? गोपी बोली, कृष्ण तो हृदय से कौन निकाले, कृष्ण सीधा होता तो निकल जाता, पर वो तो टेढ़ा है, एक जगह से नहीं तीन जगह से टेढ़ा है, टेढ़ा कैसे निकले? गोपी बोली, उद्धव कृष्ण टेढ़े हैं, जब टेढ़ी चीज हृदय में अड़ जाती है तो नहीं निकलती। कृष्ण की बंसी और इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर हम लुट गई हैं, हमने अपना सब कुछ दे दिया है, हमें मिला क्या? केवल दुख मिला। श्री कृष्ण तीन जगह से टेढ़े क्यों हैं? गोपी जनों को रस देने के लिए उस समय वे त्रिभंगी गति से खड़े हो जाते हैं। ये जो नट वेश है ये सिर्फ ब्रिज में है, कंस की नगरी में टेढ़े क्यों होंगे? यहाँ किस को रिझाएंगे? ये तो ब्रिज में ही श्री कृष्ण रिझाते हैं, नहीं तो सारा संसार तो श्री कृष्ण को रिझाता है। विदुर जी ये देखकर हैरान थे कि सारा संसार तो कृष्ण को रिझाता है और कृष्ण खुद गोपियों को रिझाते हैं, कैसे रिझाते हैं? कृष्ण जैसे ही देखते थे कि गोपियां आ रही हैं, बस उन्हें देखते ही उनकी चाल बदल जाती थी। लक्ष्मी जी जिनकी आराधना करती हैं, वे श्री कृष्ण गोपियों को रिझा रहे हैं, जिन्हें सब लोग ऋषि मुनि योगी आदि स्तुतियां कर करके मनाते हैं, पर मना नहीं पाते, और यहाँ ब्रिज में उल्टा गोपियां फटकार रही हैं। गोपियों की दास्ता करते हैं, पर यहाँ प्रसन्न हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।